हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हिमाचली मॉम स्टूडियो। तो मेरे चैनल में आपका स्वागत है। तो सुबह के बजे हैं 7 और दिन है फ्राइडे, डेट है 12। तो अभी आई हूँ मैं यहाँ मॉर्निंग वॉक पे। ये देखिए पीछे का व्यू, ये देखिए और भी लोग मॉर्निंग वॉक पे आए हैं, मुझे पागल बोलेंगे। तो आपको साथ में शेयर करूँगी कुछ पिक्स। यहाँ देखिए, ये देखिए, ये पूरी झाकड़ी झाकड़ी बहुत सुंदर है, मुझे बहुत पसंद है। और ये देखिए कितना सुंदर पेड़ है, ये वाले पेड़ पता नहीं कौन से पेड़ हैं पर बहुत सुंदर है। मैंने यहीं पे देखे, हमारी साइड नहीं होते हैं। ये देखिए पीछे ये वाले पेड़। और मैं यहाँ आई हूँ, काफ़ी आगे आ गई हूँ, वापस जा रही हूँ क्योंकि अब मुझे वापस जाना है। काफ़ी लंबे टाइम के बाद मैं मॉर्निंग वॉक पे आई हूँ और मुझे अब अपनी एक्सरसाइज भी दोबारा से शुरू करनी है करनी। तो ये देखिए। तो यहाँ से देखिए झाकड़ी दिखती है ऐसी, और ये है जीएमओ कॉटेज। तो यहीं से होते हुए अगली साइड से मैं रौनक को भी स्कूल ले जाती हूँ। और ये देखिए यहाँ है सेब के पेड़। तो हिमाचल प्रदेश में सेब के पेड़ कहीं पे भी लग जाते हैं। तो यहाँ बहुत ज़्यादा लो हाइट है इसीलिए मैं ये पेड़ यहाँ पे दिखा रही हूँ। तो गर्मी यहाँ पे इतनी होती है कि चंडीगढ़ साइड जितनी गर्मी होती है तो इतनी गर्मी यहाँ पे भी है। आजकल यहाँ पे बहुत ज़्यादा गर्मी है, दिन को बाहर निकलना मुश्किल है घरों से। लेकिन एप्पल्स के ट्री यहाँ पे भी है। तो हिमाचल का यही एक मुख्य बात है कि एप्पल्स के ट्री जहाँ मर्जी वहाँ हम उगा सकते हैं, फिर भले ही वो वेराइटीज़ के ही हों लेकिन एप्पल हर जगह उग जाता है। तो ये देखिए सुबह के टाइम मैं आई हूँ यहाँ पर मॉर्निंग वॉक पर, और यहाँ से ऊपर को गई थी मैं ये इधर से। और ये देखिए कितने सुंदर यहाँ पे पेड़ है ना, बहुत ही ज़्यादा सुंदर पेड़ है। और मुझे ये पता नहीं किस चीज़ के पेड़ हैं पर पेड़ बड़े अच्छे हैं। फ्लावर इसमें पर्पल कलर का आता है, बड़ा ही प्यारा सा फ्लावर आता है। तो ये फ्लावर इतने अच्छे लगते हैं ना देखने में, ये देखिए कितने सुंदर लगते हैं। तो इस टाइम यहाँ पे धूप लगी नहीं है, आर पार को धूप लग गई है। तो झाकड़ी में धूप बहुत लेट लगती है, गर्मियों में भी 7:30 के बाद ही लगती है। तो सर्दी में तो यहाँ पे धूप 9:30-10 बजे के बाद ही हल्की हल्की लगनी शुरू होती है। तो इधर साइड से देखिए कितना सुंदर व्यू दिख रहा है। तो मैं यहीं तक ही आई थी, यहाँ से आगे गई नहीं थी। तो मैंने रौनक को भी बोला था कि रौनक आ जाओ, तो रौनक उठ नहीं पाया था उस टाइम। तो यहाँ पर रौनक लंच के लिए फुलके बना रहा है, तो इससे बड़ा शौक़ है। ये देखिए रौनक का फुलका, और 4 ही फुलके बनाएगा ये, 2 अपने पापा के लिए, 1 मेरे लिए और अपने लिए। तो राइस के साथ हम इतने ही फुलके हमारे लिए इनफ है। तो गैस भी ये ऑन कर लेता है, तो मेरे देख रेख में बना देता है ये फुलके। बहुत ज़्यादा शौक है, बच्चे बेचारे करेंगे भी क्या करेंगे आजकल लॉकडाउन की वजह से। लॉकडाउन तो अब ना के बराबर है, पर मैं इसको कम ही बाहर निकालती हूँ, अगर ज़रूरी होगा तभी इसको बाहर निकालती हूँ। अदरवाइज़ यहाँ पे बस यहीं पे ही खेलता है फालतू का, इसको बाहर ले जाती नहीं हूँ। तो इसके बाद हम इवनिंग वॉक पर गए थे क्योंकि सुबह इसको नहीं ले गया तो नाराज़ हो गया। बहुत अच्छा लग रहा है ये देखिए व्यू। तो यहाँ पे देखिए इवनिंग वॉक के लिए आ गए हम शाम के टाइम। देखिए वो मेरा बेटा वो, और ये देखिए मेरा बेटा, तो ये तो आगे आगे काफ़ी टाइम के बाद आए आज। और ये है मेरी इवनिंग वॉक और वो है मेरा बेटा। तो आज से मॉर्निंग और इवनिंग वॉक दोनों ही इकट्ठी हो गई। ये देखिए कितने प्यारे हैं यहाँ पे ये देखिए कितने सुंदर है ना, ये देखिए बहुत है आगे तक ऐसे ही। हम लोग कोटगढ़ में इसको शौरू बोलते हैं, शौरू। और हमारे मेरी दादी के घर के पास भी इसका पेड़ था,
देखिए कितना सुंदर लग रहा है। वाओ वेरी नाइस। और ये देखिए रौनक आगे चला गया है। तो देखिए आपने अभी देखा वो मंदिर, तो मंदिर बहुत ही अच्छा मंदिर है यहाँ पे। ये तो यहाँ पे भंडारे भी होते हैं, हम आते हैं, लेकिन आजकल सब कुछ ही बंद पड़ा है। और ये देखिए कितना सुंदर है, जब तो इसमें पानी छोड़ा होता है तो ज़्यादा ही सुंदर लगता है। हम भी जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि बंद है, खुला रखते हैं, जा सकते हैं। और ये देखिए शाम को बच्चे साइकिलिंग करना सीख रहे हैं, तो साइकिलिंग करने का मुझे भी बहुत शौक़ है, लेकिन मुझसे होती नहीं है। मैंने ट्राई की है तो उसमें बैलेंस ही नहीं बन पाता है, तो बचपन में शायद सीख लेते हैं तो बड़े होने तक ये इजी हो जाता है। तो इसी के साथ ही मैं और मेरा बेटा यहाँ इवनिंग वॉक करके घर वापस आ जाएंगे। तो 7 o'clock का ये भी टाइम ही है अभी भी। तो आपको करना है मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। अगर आप वॉच करते हो प्लीज़ उसके बाद लाइक बटन दबाना ना भूलें। तो इसी के साथ ही मिलती हूँ एक नए वीडियो में और एक नए कैसी रही आज के बहुत साथ दिनों के बाद आपकी। तब तक के लिए इवनिंग वॉक, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ, स्टे होम, थैंक यू। 2 liter पानी पैरों में बहा दिया।